अभी आज मैं कर रही हूँ CSIR IHPT का कैंपस टूर। मैं एक महीने से यहाँ पे हूँ, मेरी इंटर्नशिप चल रही थी और ये वीडियो मैं ना करूँ तो यहाँ आना मतलब वेस्ट होगा। जस्ट किडिंग। सो लेट मी टेक यू थ्रू द कैंपस, आई विल गिव यू द होल टूर ऑफ द कैंपस। ये कैंपस के दो गेट हैं, गेट वन से इंस्टीट्यूशनल ब्लॉक आता है सबसे पहले, गेट टू से रेजिडेंशियल ब्लॉक आता है। तो मैं मेन जो इंस्टीट्यूशनल ब्लॉक है यहाँ पे, एकेडमिक ब्लॉक, उस पर फोकस करूंगी इस वीडियो में। सो विदाउट टॉकिंग मच, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। दिस इज लोकेटेड ऑन द पालमपुर हाईवे। सो यहाँ पे आने के लिए आपको इजिली बस मिल जाती है पालमपुर मार्केट से, मेन सिटी से। गेट से एंटर होते ही आपको यहाँ पे दो मैप मिल जाएंगे। ये मैप यहाँ पे हिंदी में भी है और ये मैप यहाँ पे इस साइड इंग्लिश में भी है, क्योंकि ये कैंपस 350 एकड़ जितने एरिया में फैला हुआ है। कोई इंसान पहली बार आएगा तो बिना मैप के तो कंफ्यूज ही हो जाएगा, इसलिए दिस इज अ गुड थिंग। और इस साइड ये रास्ता जाता है चंदपुर को और लेफ्ट साइड में ये रास्ता जाता है एकेडमिक ब्लॉक की तरफ जो मैं बता रही थी। सो पहले इस तरफ चलते हैं हम। गेट से अब इस साइड हम आ चुके हैं फूड प्रोसेसिंग यूनिट के सामने और इस साइड है इंस्टीट्यूट की कुछ बसें। फूड प्रोसेसिंग यूनिट के जस्ट बाजू में आ जाता है VS रामदास ब्लॉक। ये है VS रामदास ब्लॉक, ये कोई साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है, मुझे नहीं पता क्यों। और इस साइड है साउथ ईस्ट लॉन जो कि काफी बड़ा है, जो आप देख सकते हैं वहां पर सामने जहाँ पे तिरंगा लहरा रहा है वो है डायरेक्टोरेट एवेन्यू। और यहाँ पे सभी विंग्स के नाम अलग अलग डायरेक्शन के ऊपर रखे गए हैं। तो यहाँ पे मेरे सामने इस साइड पर है ईस्ट विंग। अब हम वापस आ चुके हैं गेट के पास और ये रहा लाइब्रेरी एवेन्यू और वहां पर आगे उस तरफ हम जाएंगे एकेडमिक ब्लॉक की तरफ। ये जो पहाड़ आप देख रहे हैं ये है धौलाधर रेंज। अभी बारिश हुई तो ये बहुत क्लियर दिख रहे हैं, वरना ये बादलों से ही ढके रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। ये है लाइब्रेरी एवेन्यू, ये लाइब्रेरी एवेन्यू है। यहाँ पे लाइब्रेरी है और उसके ऊपर ऑडिटोरियम है जहाँ पे कोई भी सेमिनार्स, प्रोग्राम्स, प्रेजेंटेशंस वगैरह होती हैं। ऑडिटोरियम में जाने के लिए सीढ़ियाँ उधर हैं और लाइब्रेरी का एंट्रेंस यहाँ पे है। चलते हैं आगे। पता है इस इंस्टीट्यूट की बेस्ट बात क्या है? यहाँ पे हर प्लांट के पास एक बोर्ड लगाया गया है जिसपे उसका नेम, साइंटिफिक नेम और हिंदी में भी उसका नाम लिखा गया है, जिससे अगर किसी इंसान को प्लांट्स के बारे में कुछ भी नहीं पता है और वो यहाँ आता है तो ये बोर्ड्स देख के उसको पता चल जाता है कि हाँ ये प्लांट कौन सा है। सो दिस इज द थिंग आई लव द मोस्ट अबाउट दिस प्लेस। और ये है मेरे सामने डायरेक्टोरेट एवेन्यू जो हमने पहले उस साइड से देखा था। यहाँ पर CSIR IHPT का फुल फॉर्म है जो है इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी पालमपुर।
यहाँ पे राइट साइड में है डायरेक्टोरेट एवेन्यू, जो मैं पहले ही बहुत बार बता चुकी हूँ, और सामने है माइक्रोबायोलॉजी और मॉलिक्यूलर लैब का रास्ता। मैं आपको अपनी मॉलिक्यूलर लैब का एक छोटा सा ग्लिम्स दे देती हूँ। ये जो मैंने अभी दिखाया, ये साइंटिस्ट का ऑफिस था, और यहाँ पे बाहर की साइड मेरे सीनियर्स बड़ी सिंसियरली काम कर रहे हैं। ये केमिकल बॉटल्स है मॉलिक्यूलर लैब की, और काफ़ी मशीन्स हैं। सामने जेल डॉक है, थर्मोसाइक्लर है PCR के लिए, और जेल रेस हैं, और ये एक प्यारा सा व्यू है हमारे लैब के विंडो से। और फिर इस साइड है प्लांट टिश्यू कल्चर जाने के लिए रास्ता, पर अभी हम लोग चलेंगे इस तरफ। यहाँ से नीचे उतरते ही आपको मिलेगा कैंटीन, और ये दो लोग कंधों से कंधे मिलते हैं, कदमों से कदम मिलते हैं, फिर मैम को देखते ही अलग हो जाते हैं। सो दिस इज द कैंटीन, बट अभी हम लोग कैंटीन में नहीं जाएंगे, पहले हम लोग बाकी का कैंपस देखेंगे। यहाँ पर पार्किंग है उन लोगों के लिए जो हॉस्टल में नहीं रहते हैं। Look at the view. और इस साइड पे है PS आहूजा ब्लॉक COVID-19 टेस्टिंग सेंटर। पालमपुर सिविल हॉस्पिटल के जितने भी कोविड सैंपल्स आते हैं वो यहीं पे टेस्ट होते हैं, और अगर कोई न्यू ट्रेनीज आए हैं तो उनका पहले कोविड टेस्ट होता है, उसके बाद ही उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है यहाँ पे। यहाँ पर ऐसे पाइन ट्रीज बहुत सारे हैं। अब यहाँ पर जो ग्रीन हाउस दिख रहा है, हम लोग वहां पर जा रहे हैं। ये एक्सपेरिमेंटल टी प्रोसेसिंग यूनिट है। यहाँ पर लगभग 70 एकर्स का टी प्लांटेशन है। वहां से टी लीव्स लेके यहाँ पर चाय पत्ती बनती है, ऑर्गेनिक टी बनती है। ये रहा हमारा एक्सपेरिमेंटल टी प्रोसेसिंग यूनिट, जहाँ पे सारा प्रोसेसिंग होता है। वास्ट टी प्लांटेशन 350 एकड़ के कैंपस में से 70 एकड़ हमारा सिर्फ टी प्लांटेशन है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि यहाँ पे कितने वास्ट अमाउंट में टी प्रोडक्शन होता होगा। अभी मैं आपको उस साइड से लेके आई थी जहाँ पे सारी लैब्स हैं और सेंट्रल लॉन था, और यहाँ पे मैंने एक्सपेरिमेंटल टी प्रोसेसिंग यूनिट भी दिखा दिया। उसके ऊपर पहाड़ कितने सुंदर लग रहे हैं, जैसे कोई क्राउन हो ऊपर। This is the stores and purchase unit.
अभी हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर तो अभी मैरीगोल्ड फील्ड्स हैं, लेकिन अगर आप मार्च से मई के बीच में आते हैं तो यहाँ पर इंडिया का सेकेंड ट्यूलिप गार्डन होता है. सो इफ यू आर कमिंग ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम, प्लीज प्लीज विटनेस द ब्यूटी ऑफ ट्यूलिप्स हियर, यू विल बी अमेज्ड. इसका पार्ट टू भी आ रहा है नेक्स्ट वीक, इफ आई फिनिश्ड एडिटिंग इट ऑन टाइम कर लूंगी, एडिट कर लूंगी, हो जाएगा. हेल्पिंग माई सेल्फ अप. या सो मैं बोल रही थी कि आपके जो भी क्वेरीज हों कि हाउ टू गेट इन टू दिस इंस्टीट्यूट, हाउ टू गेट ट्रेनिंग इन दिस इंस्टीट्यूट, इंटर्नशिप्स वगैरह वगैरह, सो जो भी हो पुट द क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन बिलो. और वीडियो में कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए कुछ भी एनीथिंग पुट इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो. और आई नो आई एम इनकन्सिस्टेंट, यू नीड टू वेट अलॉट फॉर माई वीडियोज, बट आई एम ट्राइंग टू कोप अप विथ इट, आई एम ट्राइंग टू गेट डिसिप्लिंड. एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग देयर, यहाँ तक अगर आप मेरी बकवास सुन रहे हो तो. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, मैं कितना भी लेट पोस्ट करूँ, कितना भी लेट अपलोड करूँ, थैंक यू फॉर बीइंग देयर. और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, इट इज मच नीडेड, बहुत खुशी मिलती है कसम से. दैट इज द ओनली थिंग दैट मेक्स हैप्पी मी, मेक्स मी हैप्पी. ओके एनीवेज या सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय. वो गंदी वाटर.